नमस्कार दोस्तों दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक भी सूचना पूछी होगी कि सरकार पूर्व सैनिकों को 15-15 लाख रुपया देगी और इस चीज़ को लेके पूर्व सैनिक में बहुत सारी भ्रम की सृष्टि है कि अलग अलग तरह के फॉर्मेट निकल रहे हैं, फार्म निकल रहे हैं, अलग अलग तरह की सोशल मीडिया पर जानकारी दी जा रही है, तो एक तरह से भ्रम की सृष्टि उत्पन्न हो गई। हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें रखने की कोशिश की, हाँ आज की वीडियो में फिर इन चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे। और 15 लाख रुपया सरकार किसको देगी, कैसे देगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, तो इन सभी जानकारियों को लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन जी। आप उनके पूरे वीडियो को सुने और साथ ही साथ में कमेंट भी करें, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं, तो ये हमारी शिकायत भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें किसी भी जानकारी को लेके। उसके बाद में मोहन रंगन जी उन कमेंटों को देख लेते हैं। आप पहले ये वीडियो देखें उनका। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों आज कुछ लोगों ने फोन किया, युद्ध सम्मान योजना के बारे में। सर हमारे ग्रैंडफादर ऐसे डेली फोन आता, आज खास करके इसलिए आया कि बहुत सारे डाउट है। इससे ज्यादा क्या ऑनरी नायक सुबेदार का भी बहुत सारे कॉल्स आने लगा। आज मैं दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा खुलकर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले युद्ध सम्मान योजना, इसका जो है ऑफिशियली साइट में भी है और निकला है, लेकिन इसके पीछे का कहानी कोई नहीं बात करता। सबसे पहले है ना, 2018 में एक कैप्टन जसपाल सिंह, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, इन्होंने ये इनिशिएट किया और कंटिन्यूस मेहनत किया ये युद्ध सम्मान योजना के लिए, वो भी सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, जो जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन ना मिल रहा है उन लोगों के लिए। 2018 में ये ट्राई कर रहा था, तो 2020 में आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से रक्षा मंत्रालय में एक प्रपोजल आया, वो एक्सग्रेशिया अमाउंट 30,000 रुपए महीने प्लस डीएनएस रिलीफ, वो स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के नाम पे एक स्कीम फ्रीडम फाइटर्स के लिए गवर्नमेंट ने मान लिया था। लेकिन ये युद्ध सम्मान योजना के लिए अप्रूवल नहीं मिला। 2021 प्रनीत कौर पटियाला की एमपी, इन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात किया और ये लेटर टू इंप्लीमेंट द स्कीम इन 50th एनिवर्सरी ऑफ 1971 वॉर, यानी कि 2021 1971 वार के यादगार में इनको देने के लिए एक लेटर दिया। एक साल तक कोई रिप्लाई नहीं था। 2022 में एक एयरफोर्स के एक सार्जेंट एम सुब्रमणि, जो कर्नाटका में लीगल भी प्रैक्टिस करता है, वो हमारे अच्छा दोस्त है और उनकी एक वो अपना एक संस्था भी चला रहा है, उन्होंने एक प्रपोजल रक्षा मंत्री को भेजा कि इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, उनके साथ साथ जवानों को भी इंक्लूड करने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल भेजा। ये 2022 की बात है। सेम 2022 में अलग अलग दफ्तरों से ये आने लगा ये एक्सग्रेशिया के लिए। तो फिर उसके बाद जो है
चलते चलते 29 मई 2024 में एक इंटरनल लेटर आर्मी एयरफोर्स नेवी इनको जो है भेजा गया, तो सम्मान सेवा मतलब सॉरी जिनको जो है समर सेवा मेडल, पूर्वी सेवा, पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार मेडल्स, इनके जो है डिटेल्स इंटरनली मांगा। ये मतलब अभी तक का कहानी यही है, लेकिन इसको इतना बात बढ़ा दिया क्योंकि गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड 150 एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इन्हीं को देने का प्रोग्राम था। अगर प्रपोजल अग्री हो जाता तो इन्हीं को देने का, लेकिन गवर्नमेंट को ये डर हो गया था कि ये कोर्ट कचहरी में अगर चला जाएगा तो मामला फिसल जाएगा करके सबको अभी इंक्लूड कर दिया प्रपोजल में। तो आप समझ लो कि सबको अगर इंक्लूड कर दिया तो इसका अंजाम आप खुद ही जानते हो, क्योंकि बताने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी 30-40 हजार करोड़ जो है गवर्नमेंट ये दे नहीं सकता। इसलिए जो है युद्ध सम्मान योजना के बारे में, हाँ प्रपोजल अच्छा है, प्रपोजल दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो चीज जो है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और वो भी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये फौजियों के साथ नहीं है, फौजियों के खिलाफ है, इसलिए नहीं मिलेगा। अगला सब्जेक्ट है कल यानी कि 22 सॉरी आज 24 है ना, परसों जो है एक लेटर रिलीज हुआ था जिसको ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं, सर ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं। वो जो लेटर जो है सर्कुलेट हुआ और वो एमओडी से निकला, लोग जो है इसको अपनी मर्जी से जो है ना तरह तरह की बात कर रहे हैं। इस लेटर की जो एक्चुअल रीजन क्या है ये वही जानते हैं जो ग्राउंड लेवल पे पेंशन का काम करने वाला जानते हैं, बाकी कोई यूट्यूबर को इसकी मतलब असलियत मालूम नहीं है। हम लोगों ने ये एक मामला जो है अपनी तरफ से गवर्नमेंट तक लेके गया, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया और नतीजा अच्छा हुआ। ये चक्कर क्या है, सर्कुलर 631 जो 2020 में सर्कुलर निकला था इसमें उन्हीं को कवर किया जो जिंदा पेंशनर थे और फैमिली पेंशनर्स को छोड़ दिया। प्री 2006 यानी कि 2006 से पहले जितने भी ऑनरी नायब सूबेदार जिनको मतलब जिनका डेथ हो गया था तो उनके परिवार वालों को जो है इसका फायदा नहीं मिला। और 2006 के बाद भी अगर किसी पेंशनर का 2008 में मृत्यु हो गया तो 2008 तक लाइफ टाइम अरियर दिया, 2008 के बाद 3,500 रुपए पेंशन दे दिया जो मतलब एक हवलदार का फैमिली पेंशन, क्योंकि हवलदार का जो है 5,820 रुपए जो सर्कुलर 568 के हिसाब से मिनिमम गारंटीड पेंशन उसका 60% 3,500 से कम बनता है, इसलिए उनको 3,500 ही दिया। ये सर्कुलर 555 आने के बाद फैमिली पेंशनर को सबको जो है वार ओपी में ऑनरी नायब सूबेदार के 60% मिल गया। लेकिन 2006 से लेके 2014 तक कोई भी फैमिली पेंशनर उनको बेनिफिट मिला ही नहीं था। मैंने बहुत सारी केस किया ऑनरी नायब सूबेदार का, बहुत सारे केस जिसमें फैमिली पेंशनर्स का जो 40% केस किया, उनको लाइफ टाइम अरियर 2-3-4 साल का मिला लेकिन बाद में 3,500 ही उनको मिला। अभी भी मेरे पास केस है, मैं कर रहा हूं अभी भी, क्योंकि ये एक की जो है
1980 के आसपास एक ऑनलाइन ऐप सुबेदार का डेथ हुआ और उस ऑनलाइन ऐप सुबेदार का दामाद एक हवलदार जज्जर जज्जर से है, तो उन्होंने अपनी सासु माँ के लिए केस किया था और उनको जो है उस टाइम सर्कुलर 631 नहीं निकला, इसलिए 7750 के हिसाब से उसका 60% उस फैमिली पेंशनर को 112006 से देने के लिए AFT चंडीगढ़ से उन्होंने आदेश ले लिया था और उस फैमिली पेंशनर को वहां से मिला। और सर्कुलर 631 आने के बाद जो डिफरेंस है 8330 माइनस 7750 का 60% वो नहीं ले पाई क्योंकि तब तक गुजर गई बेचारे। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूं ना कि अब जो मैं ये केस कर रहा हूं इसका जो है 2008 नवंबर में पेंशनर का डेथ हो गया और एक तकरीबन 14 महीने एनहांस्ड फैमिली पेंशन लेडी के लिए अलाउड है। जब मैं ये केस लेके गया तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन 2006 से लेके 2008 नवंबर तक 8330 के हिसाब से जो अमाउंट बनता था उसको दिया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में, और एनहांस्ड फैमिली पेंशन इस औरत को दिया था 5820 जो हवलदार का, फिर 2009 के बाद 3500 कर दिया जो फैमिली पेंशन। अब इस फैमिली पेंशनर का जो है नवंबर 2008 से 2009 तक जो है 13 महीने का 5820 जो दिया है वहां पे 8330 मिलेगा, तकरीबन 3000 का फायदा है। ये 3000 रुपए जो है 14 महीने के लिए मिलेगा DR के साथ। फिर उसके बाद 2009 से 2014 तक जहां वो 3500 ले रही थी वहां पे लेगी तकरीबन 5000 और DNS रिलीफ के साथ। तो कहने का मतलब है यही है सर्कुलर इस ऑफिस मेमोरेंडम का रिलीज करने का मेन पर्पस यही है कि जो फैमिली पेंशनर्स जो रह गए थे उनके फायदा के लिए ये सर्कुलर निकाला था। और जो यूट्यूबर जो यूट्यूब बनाते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि कहते हैं कि इस लेटर से कोई फायदा नहीं, फायदा क्यों नहीं है, तकरीबन 20-25 हजार ऑनरेरी नायब सूबेदार जो इस दुनिया में नहीं है जिनको ये सर्कुलर 631 के हिसाब से अरियर मिलना था, फैमिली पेंशनर्स को अरियर मिलना था, सर्कुलर 631 लागू नहीं किया इनके लिए। अभी वो गलती जो है गवर्नमेंट ने ठीक किया। जो यूट्यूबर्स जो है मैं आप लोगों से विनती करता हूं अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है तो लोगों को गुमराह मत करना। सारे ऑनरेरी नायब सूबेदार फैमिली पेंशनर्स को OROP 1 भी मिला, OROP 2 भी मिला और OROP 3 भी मिलेगा, लेकिन ये जो लेटर OROP के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली पेंशनर्स के लिए 1/1/2006 से लेके 2014 तक का अरियर है। अगर किसी को कोई डाउट है वो मेरे से बात कर सकते हैं और मेरा फोन नंबर मैंने लास्ट टाइम ही बताया 9962100315। प्लीज कृपया करके व्हाट्सएप में मैसेज देना क्योंकि मैं आजकल टेलीफोन उठाना बंद कर दिया कुछ दिनों से। एक स्टीराम है, आर यू पार्टिसिपेटेड 1965-71 चाइना पाकिस्तान वार्स, भाई मैंने नहीं किया, मैं 72 जनवरी का भर्ती हूँ, मैंने नहीं किया। और ये श्रीराम जो है तमिल में डालो इसमें डालो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा ये फौजी है ये पता नहीं कहाँ। दोस्तों कमेंट डालो तो कुछ मीनिंग होना चाहिए, ऐसे फालतू कमेंट मत डालना प्लीज। दोस्तों याद रखना सर्कुलर 631 के हिसाब से जितने भी ऑनरेरी नायब सूबेदार जिंदा पेंशनर है उनके लिए ये लेटर लागू नहीं है, लेकिन सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपने अपने इलाके में जो भी ऑनरेरी नायब सूबेदार 2006 से पहले का मृत्यु
2006 के बाद का मृत्यु उनके जो है परिवार वालों को बताना, क्योंकि अगर दोनों जिंदा नहीं है तो लाइफ टाइम अरियर उनको बच्चों को मिलेगी। इसके बारे में सर्कुलर आने के बाद बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, दो चीजें उन्होंने रखी, 15 लाख रुपए की बात भी और 531 सर्कुलर के बारे में भी उन्होंने रखा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता था आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियो उनको शेयर करें, जिससे दूसरे जो पूर्व सैनिक हैं उनके पास पूछें और उनको जागरूकता आए अपने हकों के बारे में। पर मैं आज एक अलग तरह की रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, और वो ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कोट टाई पहन के जो सैनिक न्यूज़ के नाम से जिनके नाम होते हैं इस तरह के, और जो भ्रमित खबरें देते हैं, बरगलाने की खबरें देते हैं, गुमराह करते हैं, आप उनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि वो एक तरह से आप जो वीडियो देखते हो वो आपके लिए ही वो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप गुमराह हो रहे हो, भ्रमित हो रहे हो, तो वो कर रहे हैं। तो मेरी सभी पूर्व सैनिकों से रिक्वेस्ट है कि जो कोट टाई वाले वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपनी पे पेंशन को भी उन्हीं के हाथों से बढ़वाएं। ये मेरी खासकर आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नमस्कार दोस्तों।